पीछे आज का जो इंसान भाग रहा है, करीबन करीबन देखा जाए तो तीन कारण के लिए आज का इंसान पैसे के पीछे भागता है। कई बार आप लोगों की भागदौड़ देख करके ताज्जुब होता है कि ये धन के पीछे आप अपना पूरा जीवन लगा देते हो, पूरा जीवन समर्पित कर देते हो, लेकिन हम कभी शायद सोचते नहीं कि धन कहां तक जाएगा, कहां तक हमारे काम आएगा, ये कहां तक हमारे साथ रहने वाला है, ये शायद हम सोच नहीं पाते, और शायद सोचते भी है तो उसको अप्लाई नहीं कर पाते। आज की दुनिया इतनी मटेरियलिस्टिक हो गई है, इतना मटेरियल, इतना भौतिकवाद आज के संसार में देखने को मिलता है। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ही दौड़ लगी हुई है, पैसे पैसे पैसे, आदमी मटेरियलिस्टिक होने जा रहा है, होता जा रहा है, भौतिकवाद में अपने जीवन को आगे बढ़ा। लेकिन शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समझ लेना, तीन कारण से संसार में लोग पैसे कमाते हैं। आप देख लेना अपना कारण कौन सा है, आप क्यों पैसे के पीछे भागते हो, और यदि आपको समझ में आ जाए, यदि आपको पता चल जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना जरूरी है, वरना यह पैसा हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। और इसीलिए हमारे यहां लिखा गया कि अति सर्वत्र वर्जय, बड़ी गजब की बात लिखी आचार्य चाणक्य, अति रूपेण वही सीता, अति गर्वेण रावणा, अति दानात बलिर्बद्धो, अति सर्वत्र वर्जय। कहा जो चीज अति हो जाती है वो आपके जीवन को खत्म कर देती है। सीता के पास रूप अति था, जरूरत से ज्यादा था, वो सीता के जीवन आपको पता है, उसके जीवन में क्या हालात बने आपको पता है। रावण के पास गर्व जरूरत से ज्यादा था, थोड़ा ईगो हो तो सहन हो सकता है, थोड़ा ईगो हो तो शायद आदमी बच सकता है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा हो जाए तो बचना नामुमकिन हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ लिखा गया कि अति सर्वत्र वर्जय, ज्यादा जहां पर भी एक्स्ट्रा चीजें हो जाती है वो हमारा नाश कर देती है। धन की लालसा भी अति हो गई तो वो आपको खत्म कर, आप पैसे के पीछे भागते हो, पैसा कमाते हो, लेकिन शास्त्रकार भगवंत ने कहा कि तीन कारण से आज का आदमी पैसा कमाता है, आपका कारण कौन सा है एक बार जरूर देख लेना। आपको पता है, आपको संसार में हर चीज समय स्थान और संयोग से याद आती है। तप करने का मन पर्युषणा में ही होता है, चतुर्मास में ही होता है, क्योंकि समय, आपको कोई बैसाख महीने में कहे, जेठ महीने में कहे अट्ठाई करो, आपसे होगी नहीं, हम पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें लगता है कि योग्य समय नहीं है। जब चतुर्मास का माहौल बनता है, जब गुरु भगवंत पधारते हैं, शास्त्रकार भगवंतों की बातें जब सुनाते हैं, जब हमें पता चलता है कि चतुर्मास में की हुई तप की आराधना अनेक गुना फलदायक बनती है, तब हम कहीं ना कहीं तप करने का मन बना। संसार में हर चीज समझ लेना, आपको समय स्थान और संयोग से याद आती है, लेकिन मुझे यह नहीं पता चलता कि पैसे 24 घंटे क्यों याद आते हैं। सच कहना, आप व्यापार में व्यस्त हो, ऑफिस में बैठे हुए हो, आपको खाने का विचार तक नहीं आएगा, लेकिन जैसे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजेगा तो आपके मन में विचार आएगा कि चलो भोजन कर ले। 10 बजे शायद विचार नहीं आएगा, लेकिन 12-1 बजे जरूर विचार आएगा, क्योंकि समय हो गया। शायद यहां आप रात्रि भोजन घर पे कर लेते हो, लेकिन जब पालीताना तीर्थ पे चले जाओ तो आपका मन कहीं ना कहीं बनता है कि चलो आज रात्रि भोजन अवॉइड करे, कोई बात नहीं, क्योंकि स्थान का प्रभाव है। संसार में आपको जो भी चीज याद आती है, समय स्थान और संयोग तीनों से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है, तभी याद आती है। कोई संयोग ऐसे बनते हैं, कोई हालात ऐसे बनते हैं, किसी के अकस्मात को हम देखते हैं, किसी के मृत्यु को हम देखते हैं, तो हमारे भीतर वैराग्य प्रकट हो जाता है, हमें भी एक दिन जाना पड़ेगा, समझ लेना। संसार में जितनी भी चीजें याद आती है, कहीं ना कहीं समय स्थान और संयोग से आदिन है, लेकिन पता नहीं चलता आज के आदमी को पैसे इतने याद आते हैं, उसमें ना समय की जरूरत है, ना उसमें स्थान की जरूरत है, ना उसमें संयोग की जरूरत है। तीन कारणों से आदमी पैसे के पीछे भागता है, समझ लेना। जीवन में सिद्धांत दिमाग में बराबर बिठा लेना, बराबर सेट कर लेना कि पैसे से बहुत कुछ मिल सकता है, सब कुछ नहीं मिल सकता।
सब कुछ हमें प्राप्त नहीं हो सकता, ये पैसे के अंदर भले कितनी ही पावर हो, कितनी ही ताकत हो, और आप लोगों के मन में ये लगता हो कि महाराज जी बिना पैसे हमारा जीवन एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं, समझ लेना, आपको शायद पता हो कच्छ में भूकंप आया था 2021 साल में, और वो भूकंप के अंदर ऐसे ऐसे परिवार जो फंसे पड़े थे, जो दबे पड़े थे, करोड़पति घर के थे, जिनके पास लाखों करोड़ रुपए थे, जिनके पास अरबों रुपए थे, बड़ी बड़ी हवेलियां बना करके रखी थी, बड़े बड़े महल बना करके रखे थे, लेकिन कुछ काम नहीं आया, महल के साथ खुद दफन हो गए, पता तक नहीं चला, किसी को कुछ पता तक नहीं चला कि कहां चले गए, कितने खत्म हो गए, कुछ जानकारी नहीं मिली, हजारों लाखों नहीं, इतने सारे लोग ऐसे थे जो भीतर दब करके मर गए, किसी का कुछ पता तक नहीं चला। मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, पैसे से बहुत कुछ मिल सकता है, सब कुछ नहीं मिल सकता। किस कारण से आप पैसे के पीछे भागते हो, एक बार अपने आप को जरूर चेक कर लेना, अपने आप को जरूर देख लेना। हमारे यहां पे लिखा गया कि तीन कारण से आज का आदमी पैसे के पीछे भागता है। सबसे पहले नंबर में अपने लिए पैसा कमाता, पहला रीजन पैसा कमाने का अपने लिए, मुझे मेरा जीवन चलाना है, मेरे परिवार को पालन पोषण करना है, मेरे परिवार को संभालना है, मेरे परिवार को आगे बढ़ाना है, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे पर है, इसलिए आदमी पैसा कमाता है। आज का आदमी जब जब पैसे के पीछे भागता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं तीन रीजन होते हैं। पहला रीजन है अपने लिए, वो चाहता है कि मेरा जीवन सरल हो, सुव्यवस्थित हो, इसमें कोई बुराई नहीं। आप संसार में रहते हो और संसार में आप भी जानते हो हर कदम पर पैसों की जरूरत पड़ती है, आप अपने लिए पैसे इकट्ठे करो, पैसे कमाओ, कोई बात नहीं। शास्त्रकार भगवत ने कहा कि ठीक है, इसीलिए हमारे यहां बताया गया कि आदमी खुद के लिए, परिवार के पालन पोषण के लिए, परिवार की जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए पैसे कमाता है, कोई बात नहीं। पहले प्रकार के जो लोग हैं वो अपने लिए पैसे कमाते, अपने में सब आ गए, परिवार भी आ गया, अपना खुद का भी आ गया, हर चीज अपने पीछे आ गई। दूसरे तरह के इंसान बताए, समझना, पहले इंसान अपने लिए, दूसरे इंसान आसक्ति के लिए, उसको कोई चीज चाहिए, उसको साधन चाहिए, उसको सामग्री चाहिए, उसको अलग 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 चीजों पर आसक्ति है, किसी की सोने में आसक्ति है, किसी की कपड़े में आसक्ति है, किसी को चाहिए कि मेरे पास सोना बहुत हो, किसी को चाहिए कि मेरे पास कपड़े बहुत हो, किसी को खुद के घर की आसक्ति है, कोई ये सोचता है कि मेरा घर बेहतर हो, बढ़िया हो, अच्छा हो, किसी को नए मोबाइल की आसक्ति है, किसी का मोबाइल देख करके उसको चाहिए, मुझे नया मोबाइल चाहिए, किसी को गाड़ी की आसक्ति है कि मुझे गाड़ी चाहिए, वो नेसेसरी नहीं है, वो कंपल्सरी नहीं है, पर आपका मन कहता है कि नहीं, ये चीजें भी मेरे पास होनी चाहिए। जो अपने लिए पैसा कमाता है, शायद 5, 10, 15, 20, 25 हजार में उसका जीवन निकल जाता है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। आपके यहां पे काम करने वाले लोगों को एक बार जरूर देख लेना, आपके महीने के खर्च में उनका पूरा साल निकल जाता है। आप महीने में जितना खर्च कर लेते हो, उसमें उतना पूरा साल एक परिवार का निकल सकता है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, तीन तरह से आदमी पैसे कमाने के लिए भागता है, हमारा नंबर कौन सा है एक बार जरूर देख लेना। कहा पहला नंबर अपने लिए, दूसरा नंबर किसके लिए, किसके लिए, आसक्ति के लिए। कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये जंखना है, कहीं ना कहीं हमारे भीतर ये भावना है, मुझे ये चीज चाहिए, और जब आसक्ति हो जाती है तब आदमी उसके पीछे भाग। और तीसरी बात शास्त्रकार भगवंत ने बताई, समझ लेना, आदमी या तो अपने लिए कमाता है, आदमी या तो आसक्ति के लिए कमाता है, और आदमी या तो अहंकार के लिए कमाता है। अहंकार के लिए पैसा कमाना, मुझे किसी को दिखा देना है, पूरे शहर में मेरा घर सबसे बड़ा होना चाहिए, पूरे शहर में मेरे पास सबसे अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, पूरे शहर में मेरा बैंक बैलेंस सबसे अच्छा होना चाहिए, पूरे शहर में ये चीजें मेरे पास सबसे स्टैंडर्ड और सबसे ब्रांडेड होनी चाहिए। आज के लोगों की मेंटालिटी,
आपको शायद पता ना हो, बता दो। पहले का एक समय ऐसा होता था जहां आदमी खुद की जरूरत कम करता था और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता था। आपका जीवन इतना सरल था, आपके बड़े बुजुर्गों का जीवन, आपके पिताजी का जीवन, आपके दादाजी का जीवन इतना सरल था। वो खुद की जरूरतों को कम रखते थे, दूसरों के लिए ज्यादा सोचते थे। लेकिन आज का जीवन आपका शायद ऐसा हो गया है कि आपकी जरूरतें ही आप पूरी नहीं कर पाते, दूसरे की हम कैसे करेंगे। हमारी जरूरतों की लिस्ट इतनी लंबी चौड़ी हो गई है, हमारी लिस्ट इतनी बड़ी बन गई है कि शायद हम हमारी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते, दूसरों की कैसे करेंगे। और इसलिए हमारे यहां बड़ी गजब की बात लिखी गई कि समझ लेना, जो व्यक्ति अहंकार के लिए पैसे कमाने लग जाता है उसको बड़े बड़े राजमहल भी मिल जाए, पूरा राजा का भंडार भी मिल जाए, तब भी उसको कम लगेगा, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और आज के आदमी की ये जो फितरत है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, और थोड़ा मिल जाए तो अच्छा, और थोड़ा प्राप्त हो जाए तो अच्छा, और थोड़ा मेरे पास आ जाए तो अच्छा, ये फितरत में जो आज का इंसान जी रहा है वो पूरा जीवन पैसे 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 करते जीता है और पैसे 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 करते मर जाता है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मरण को समाधि में बनाने का बाद में सोचना, पहले जीवन को समाधि में बना लो। जीवन को समाधि में बनाना जरूरी है, मरण को बाद में बना लेना। हम समाधि मरण की कामना करते हैं लेकिन जीवन में शायद समाधि है कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सूत्र जीवन में आंखों के सामने हर हमेशा रखना। पैसे से बहुत कुछ मिल सकता है लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं मिल सकता, सब कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इसीलिए पैसे के पीछे भागे कोई बात नहीं, लेकिन सोच समझ कर थोड़ा इन्वेस्टमेंट खुद के ऊपर भी करे। भौतिकता के पीछे पागल न बने, भौतिकता के पीछे अपने जीवन को इतना खत्म न कर दे कि हमारे हाथ में अंततः कुछ बचे ही नहीं। थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़े, थोड़ा खुद के ऊपर भी इन्वेस्ट करे, थोड़ा आत्मा के बारे में भी सोचे, थोड़ा अपने लिए भी समय निकाले, थोड़ा अपनों के लिए भी समय निकाले। और एक बार जरूर सोच ले, हम अपने लिए पैसे कमाते हैं वहां तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन आसक्ति के लिए और अहंकार के लिए पैसे कमाने लग गए, हमारी दौड़ कभी खत्म न होगी। जीवन भर दौड़ते रहेंगे तो भी कुछ प्राप्त न होगा और अंततः मृत्यु से या पर लेटे लेटे ये सोचेंगे कि जीवन इतना अद्भुत मिला पर कुछ नहीं कर पाया। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।